मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ। समय के अभाव के कारण आज का वीडियो कुछ ऐसे ही बनेगा। बहुत हंसी भी आ रही है ये वीडियो देखने के बाद जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, लेकिन आप सब लोगों को भी हैरत होगी ये जानकर कि ये जो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसकी आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये कौन है? पहले आओ ये वीडियो देखते हैं। क्या साइड में करो ना, क्या हो गया? क्या अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले जाते यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा हूँ। बाहर निकालो, अधिकार क्या होता है बताना जरा। बताओ, चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है? बंद गाड़ी में बैठे हैं। कौन से आपका अधिकार है? नहीं नहीं, आपका कौन से नहीं है? किस चीज़ का नहीं है? ये सारे लोग मरे हुए मुख्यमंत्री में बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है? आपको नहीं आ रही? आपको नहीं समझ में आ रही? आप मास्क लगा के सामने क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, कितना दूर रहेंगे हमको तुम्हारे पास आने की? तुम क्या हमारी गाड़ी क्यों रोकी? और अगर तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये लेडी सिंघम बनने की कोशिश कर रही थी और जो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी है उन पर किस तरह ये हावी हो गई थी। जो भी गलती हुई है ऑफकोर्स वो माफ करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी इनको सजा मिलेगी वो भी बकायदा कानून अच्छे से तरीके से देगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि ये मर्द जो अभी हम देख रहे थे जो पुलिस की कस्टडी में जा चुका है, अब इसने जो अपना बयान दिया है कि ये उसकी वाइफ की गलती, वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ। मैंने उसको यही बोला था दिल्ली गेट में, जब लाइट में थे हम, लाइट पे खड़े थे, तो मैंने कहा कि मास्क लगा लो। पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे, मास्क नहीं लगा रही और ना मेरे को लगाने दे रही। पूरे रास्ते हम गाड़ी में लड़ाई करते आ रहे हैं। मेरे को फ्रेंड को फोन देना था, यहाँ पे फ्रेंड को लड़ाई हो रही थी, मैं लगाना चाह रहा था, उसको भी लगवाना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिमाग लगाने भी नहीं देती ना चाहिए सर। वो तो मैं उसको खुद कह रहा हूँ पहले ही, जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तो मैं मास्क ही लगाता हूँ। तो क्या ये सब ऐसा ही चलता रहता है या फिर कुछ ना कुछ कानून इस पर लागू होता है कि किसकी गलती है और किसको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? आप सब लोग भी अपनी राय अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं सबसे भी एक बार फिर से बोलूंगा, COVID-19 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिंगल भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज मास्क पहन के निकलिए। मैं भी खुद मास्क पहन के निकलता हूं। तो आप सब लोगों से मैं फिर मिलूंगा जल्दी, लेकिन ये एक सोशल मैसेज है इसकी तरफ से कि आप सब लोग COVID-19 के तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू।